इसमें स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से ये बता रहा था मैं, नंबर फॉर्मेटिंग तक शायद बता चुका था मैं, है जी, इंसर्ट का भी, डिलीट का भी, फॉर्मेट का भी, फॉर्मेट तक, हाँ फॉर्मेट तक हो गया था। देन आपके कुछ जो फंक्शन है ऑटो सम वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मतलब काउंट फंक्शन, और फंक्शन इंसर्ट का भी एक छोटा सा ऑप्शन है इधर, ठीक है जी। उसके अलावा फिल, इन ऑप्शंस के बारे में जानते हैं आप लोग? नहीं, ज्यादा नहीं सो। हाँ, तो जैसे मैं क्या करता हूँ, मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कुछ टाइप किया या कुछ टाइप किया, फिर मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ से जो फिल करते हैं हम, फिल डाउन, ठीक है जी। ये मतलब जो ड्रैगिंग ऑप्शंस है ना, वो आपके एक्चुअल में ऑप्शन होते हैं, फिल डाउन, वो ऊपर वाला ही एक्टिवेटेड सेल का ही नीचे कर देता है। देन आपका अगर राइट में करते हैं तो राइट, ठीक है जी, लेफ्ट में करते हैं तो लेफ्ट, अप में करेंगे तो आप, फिल कर देगा। उसके बाद जो होते हैं सीरीज वाले जो ऑप्शन होते हैं फिल में, ये जैसे 1 2 हमें करना होता है, यहाँ पे सीरीज वाले ऑप्शन चलते हैं आपके, फिल सीरीज। सीरीज में जैसे आप कॉलम में भरना चाहते हैं, सीरीज इन कॉलम, स्टेप वैल्यू कितना रहेगा, 1, स्टॉप वैल्यू जैसे 10 पे खत्म करना चाह रहे हैं तो 10 तक ये फिल कर देगा, ठीक है जी। और जैसे आप इसमें चाहें कि दो दो के गैप पे भरना चाहिए तो दो दो के गैप पे भर देगा। ग्रोथ, हाँ हाँ ग्रोथ है, ग्रोथ हम कहते हैं इसमें हर एक में 4 की ग्रोथ कर दें तो मल्टीप्लिकेशन टाइप की हो जाती है, ठीक है जी। 4 16 पावर लगती चली जाती है। डेट का अच्छा ऑप्शन है इसमें। अब जैसे आपने एक डेट डाली, यहाँ पे मैंने आज की डेट डाल दी मान लीजिए, आगे मुझे जैसे डेट बढ़ानी है तो डे में बढ़ानी है, कितने डे, 5 दिन के डिफरेंस में बढ़ानी है, 5 दिन के डिफरेंस पे बढ़ गई सीरीज, वीक डे, 4th वीक डे, 15 4 19, ये भी वही सेम सिस्टम है। मंथ बढ़ाने हैं, एक एक मंथ आगे का दे दे, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, इस तरह से दे रहे। देन ईयर, ईयर बढ़ाने, ईयर बढ़ा के दे देगा आपको, ठीक है जी। इसी तरह से आप रोज के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कॉलम में कर रहा था मैं, रो के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। देन होता है जस्टिफाई आपका, एक्सक्यूज सर, हाँ जी। सर ये वीक डे का दोबारा करना है, मेरे ख्याल से इसमें जो हॉलीडे थे वो स्किप कर दिए सर। हाँ, सही कह रहे हैं आप, वीकडे, वीकडे किया, वीकडे किया है, हॉलीडे नहीं है उसमें। सैटरडे संडे करता है, दोनों करते हैं ना सर। उसका मेरे ख्याल से जैसे इसको कर लेते हैं, देख लेते हैं ना, मैं भी ये ऑप्शन ज्यादा यूज तो करते नहीं हूँ, देख लेते हैं कि क्या करता है। जहां तक है सैटरडे संडे करता है कि वैसे ऐसे 2007 है तो सैटरडे संडे दोनों स्किप करना चाहिए, सिंगल उसमें बढ़ जाते हैं, तो 15 16 17 18 19 20 21 स्किप कर दिए। 20 21 क्या है अपना, सैटरडे और संडे, ठीक है। बाकी जस्टिफाई जैसे मैंने अलग अलग सेल में डेटा पड़ा है मान लीजिए मेरा, अगर सर ओनली संडे स्किप करना हो तो इसके लिए क्या करेंगे? इसमें नहीं है ऑप्शन, नहीं है वो ऑप्शन नहीं है सर इसमें। ना,
ऑप्शन नहीं है। तो जनवरी फरवरी अप्रैल जैसे ये है, ये अलग अलग सेल में डेटा है। कई बार आपको ये क्वेरी आती होगी कि अलग अलग सेल में कहीं डिस्क्रिप्शन लिखी है, कुछ भी लिखा है, तो छोटी सी चीज है, उनको एक साथ करना होता होगा, सेल में से हटा के एक ही सेल में ले जाना। जैसे वर्ड की फाइल से कभी कॉपी करके ले आया कहीं से, एक ही सेल में डालनी है, तो उस केस में अपना जस्टिफाई का ऑप्शन काम आता है। तो इसको इतना चौड़ा दीजिए कि आपका एक सीध में आ सके डाटा, मतलब एक सेल में आ सके। इसको फैला दीजिए, फिर फिल में जाके जस्टिफाई कर दीजिए, एक सेल में आ गया। ठीक है जी। अब इसको मेरे को वापस वैसा करना है, तो उतना कर दीजिए जितने में एक डेटा आ सके, यहाँ देन जस्टिफाई, ओके, रिवर्स हो जाएगा, वही वापस सेल में चला गया। हाँ जी, ठीक है जी, आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसका कोई एक और एग्जांपल दे दीजिए। जैसे मतलब कुछ भी लिखा है ना, एक ही चीज में लाना इसका। हम जैसे कई बार क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अपना एक्सेल में कि ये सेल्स में होता है डेटा इसका। अब कई बार एक ही सेल में लाना होता है, मल्टीपल सेल में डेटा है, उसे एक सेल में लाना है, तो इसको पहले इतना बड़ा कर दीजिए कि एक सेल में आ जाए डेटा। ठीक है जी। देन ये ट्रांसपोज ट्रांसपोज वाली ऑप्शन जो है, ट्रांसपोज नहीं, ट्रांसपोज का नहीं है, इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट आपका यहाँ तक है, उसकी डिस्क्रिप्शन आप नेट से कॉपी करके लाए, तो एक यहाँ गई एक यहाँ गई, पता चले वो एक ही पैराग्राफ का पार्ट थी, है ना। अब वो पैराग्राफ जोड़ना है तो आपको कोई तरीका नहीं सूझेगा उसको करने के लिए, कंकेटिनेट करने के लिए, तो इसमें जस्टिफाई का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। और जस्टिफाई भी वहीं तक होता है जितनी सेल की विड्थ होती है। तो इसकी विड्थ इतनी बड़ी कर दीजिए, फिर जस्टिफाई कर दीजिए, ये एक में आ जाएगा, फिर बाद में बेशक से छोटा कर दीजिए, एक ही सेल के अंदर है ये डेटा, रैप टेक्स करके देखेंगे, एक ही सेल के अंदर मिलेगा। ठीक है जी। वापस पहले जैसा करना है तो सिंगल, उस पर जैसे सिंगल सेल की वैल्यूज है, अब इसको मैं जस्टिफाई कर दूंगा अगेन, तो ये नीचे एक्सटेंड कर देगा, हर एक सेल में अलग अलग डेटा आ जाएगा। ठीक है जी। देन आपके पास जो सॉर्ट एंड फिल्टर के हैं सेम है, कस्टम सॉर्ट यहाँ से यूज करते हैं, कस्टम सॉर्ट मैंने बताया हुआ है सॉर्ट के दौरान, फिल्टर वो भी बात है। देन आपका फाइंड रिप्लेस, फाइंड रिप्लेस तो आपको पता है फाइंड रिप्लेस किस लिए यूज करते हैं। हाँ, फाइंड में कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए मेरा कुछ डाटा था और वो पूरी शीट पे कुछ ये जैसे कलर आ गए, तो अब तो फाइंड के ऑप्शन में एक चीज होती है कि हम कलर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। जरूरी नहीं डेटा ही फाइंड करना है। अब मान लीजिए ये कलर हो गया, ये गलत भर गया मेरे से, येलो हाइलाइटेड हो गया और करना था मुझे ग्रीन से, तो इसमें मैं क्या करूंगा, ये फाइंड के ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इसको खोल दूंगा और इसके अंदर ये फॉर्मेट होता है। ठीक है जी। इसको चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल कर सकते हैं या फॉर्मेट वाला आप खोल सकते हैं, चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल, चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल, तो यहां पे आ जाएगा आपका फाइंड क्या करना है, देन रिप्लेस क्या करना है, रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो फॉर्मेट में मैं चूज कर लेता हूं कि जो फिल होना चाहिए वो ग्रीन हो जाना चाहिए, ओके।
तो येलो मेरा ग्रीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस ऑल करते ही कलर रिप्लेसमेंट हो गई। ये सर हम वर्कशीट पे भी कर सकते हैं ना कंप्लीट पूरी पे? हाँ कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और जैसे कई बार क्या होता है ना कि फाइंडिंग ऑप्शन है, हम कंट्रोल एफ दबा रहे हैं इसी में फाइंड करने के लिए। अब आपको चाहिए एक्सेल की पूरी वर्कबुक में कि 1 से लेकर 5 तक कहीं भी कोई भी डेटा हो वो फाइंड कर ले। तो अपना ये जो ऑप्शन होता है अभी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अभी इसको फॉर्मेट क्लियर कर देता हूँ। अभी फाइंड करने की कोशिश करूंगा तो कुछ नहीं दिखाएगा मुझे। यहाँ पे जो ऑप्शन होते हैं आप शीट से वर्कबुक कर सकते हैं, फाइंड करेंगे आपका डायरेक्ट कहीं भी होगा कोई भी वैल्यू, वो आपको उस शीट में फाइंड करके दिखा देगी, ठीक है जी। ठीक है सर, फाइंड के लिए एक और चीज यूज करते हैं, जैसे हमें एक पर्टिकुलर एरिया में फाइंड करना है और उससे बाहर करना ही नहीं है, तो खाली सिलेक्ट करके, जैसे मैंने को इस कॉलम में ही फाइंड करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, या रो को रो में ही फाइंड करना है, इसके अंदर ही फाइंड करना है, तो ये सिर्फ आपको इसी में ढूंढ के देगा और कहीं बाहर नहीं जाएगा। फाइंड करने की कोशिश करूंगा, एक सेकेंड। वर्कबुक से शीट पे आ जाता हूँ, ठीक है जी। तो आपको दिखाएगा ये समझ। अच्छा इसमें तो कुछ और है भी नहीं। तो आपको सिलेक्शन में ही ढूंढ के दिखाएगा ये खाली, ठीक है जी। सर्चिंग दो तरह से होती है, एक होती है हमारी रो वाइज, एक होती है कॉलम वाइज। तो रो कॉलम वाइज आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। सपोज जैसे यहाँ पे भी आ गया और एक यहाँ पे है, तो किसको पहले फाइंड करना चाहिए आप देख सकते हैं। इसको मैं सिलेक्ट जैसे कर लिया यहाँ, तो बाय रो में क्या कर रहा है, बाय रो में क्या कर रहा है, पहले ये फाइंड किया इसने, देन ये वाला फाइंड किया, देन ये फाइंड किया। अगर इसको बाय कॉलम्स कर दूंगा तो ये इसको फाइंड करेगा, मतलब यहां से, ठीक है सर, ये तो क्लियर हो जाएगा। हाँ रो कॉलम का डिफरेंस। हाँ रिप्लेसमेंट में भी हम यही सब यूज करते हैं, ठीक है जी। देन आपके पास आता गो टू, किसी एड्रेस में जाना है आपको तो बस उस एड्रेस का वो दे दीजिए, इसमें रेफरेंस B10, वहाँ आपको ले जाएगा। इसका जो शॉर्टकट है वो F5 है, शॉर्टकट जो है F5 है। देन इसके बाद ऑप्शन होते हैं गो टू के बाद, गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कई बार हमें नहीं पता होता। डिस्टर्बेंस आ रही है सर पीछे से, म्यूट कर लीजिए। हेलो डिस्टर्बेंस आ रही है सर, म्यूट कर लीजिए। जैसे आपके कमेंट डले हुए हैं, ठीक है जी। तो आपको गो टू स्पेशल में पहला ऑप्शन है कमेंट भी आप फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट कमेंट पे चला जाएगा, ठीक है जी। देन है कॉन्स्टेंट,
कांस्टेंट किस तरह से नंबर ढूंढने, नंबर पे जाना है, टेक्स्ट पे डालना है, लॉजिक लॉजिकल ट्रू फॉल्स है या एरर वैल्यू पे है, तो ये उसमें चला जाएगा। कांस्टेंट मतलब वो किसी फॉर्मूले से जनरेटेड ना हो, वैसे ही हो। फॉर्मूले वाला डाल के देख लेते हैं क्या इसे फाइंड करता है। जैसे यहाँ है गो टू स्पेशल, कांस्टेंट में एरर को फाइंड करते हैं, नहीं है क्योंकि ये फॉर्मूले से जनरेटेड है। इसी जगह अगर मैं पेस्ट एज वैल्यूज करके एरर या फिर इसको रियल एरर तो हो ही नहीं सकती ना। रियल एरर कैसे होगी, और इसको पेस्ट एज वैल्यूज कर देता हूँ, देन गो टू स्पेशल में गया मैं और कांस्टेंट में से एरर। तो यहाँ कोई फार्मूला नहीं है, डायरेक्ट एरर है उसको पकड़ रहा है। फार्मूले वाली एरर के लिए या फार्मूले वाली चीजों के लिए जैसे टेक्स्ट लॉजिकल, तो आप ये वाला चूज कर सकते हैं। अब फार्मूला जनरेटेड एरर कौन सी है वो वहां चला जाएगा। देन ब्लैंक सेल, ब्लैंक्स, ब्लैंक्स आपकी सिलेक्ट कर लेगा सारी, ठीक है जी। करंट रीजन, करंट रीजन होता है आपका कंट्रोल ए, ठीक है जी। पहले कंट्रोल ए का मतलब होता था कंट्रोल ऑल, बट आजकल कंट्रोल ए का मतलब होता है करंट रीजन। जैसे यहाँ पे जैसे कुछ है, अगर मैं यहाँ क्लिक करके कंट्रोल ए करूं तो एक डेटा का एरिया सिलेक्ट होता है, इसे कहते हैं करंट रीजन। तो मेरा क्लिक्ड है गो टू स्पेशल करंट रीजन, तो ये रीजन सिलेक्ट करता है। वीबीए में भी इसका हम अच्छा खासा यूज करते हैं करंट रीजन का, ठीक है। इसमें अगर गो टू स्पेशल में ब्लैंक में अगर डिलीट करनी हो उसको, क्या चीज, जैसे गो टू में गए, स्पेशल में गए, ब्लैंक किया, ब्लैंक जो एरिया सिलेक्ट हो रही है उसको डिलीट करनी हो, वैल्यू वैल्यू डिलीट करनी हो ना। नहीं नहीं, नॉर्मल जैसे ब्लैंक, गो टू ब्लैंक में गए ना, वहां पे फाइंड में गए गो टू स्पेशल ब्लैंक, फाइंड में गए गो ब्लैंक, तो ब्लैंक एरिया होता है ना, जैसे किसी में ब्लैंक नहीं, वो जो ब्लैंक्स जब हाईलाइट हो गए तो उसको डिलीट करो, सिंपल डिलीट, डिलीट हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, मतलब डिलीट में तो वो होता है ना आपका क्लियर कंटेंट होता है, जो आप डिलीट का बटन दबाते हैं तो वो बेसिकली ये होता है क्लियर कंटेंट होता है। क्लियर कंटेंट होता है बेसिकली, इसका मतलब डिलीट कीबोर्ड से जवाब डाला तो कंटेंट ही क्लियर होता है। जैसे मैं कहूँ जैसे गो टू में गए, हाँ, जैसे गो टू में गए, फाइंड में गए, फाइंड में गए, ब्लैंक में डिलीट क्या करेंगे आप, ब्लैंक तो वैसे ही ब्लैंक होता है, जैसे ब्लैंक में डिलीट करने से डेटा कुछ वो आपके ये वाले ब्लैंक इनको डिलीट, खाली इनको आप तभी उसी केस में डिलीट करते हैं, वैसे ब्लैंक को डिलीट ही नहीं करते हम कभी इसमें सीधा, या तो इस तरह से रो जाती है पूरी पूरी है ना, और क्या होगा ब्लैंक का, और तो कोई यूज नहीं होता ना इसका। इसका यूज वैसे एक जगह करते हैं हम लोग, जैसे पाइवट टेबल सा बना के तब करते हैं इसका यूज। जैसे दिखाता हूँ आपको एक पाइवट,
टेबल चले जैसे डेटा है फाइव, तो 5000 रोज का डेटा है, उसमें बीच में कुछ ब्लैंक है, 1000 के बाद 10-15 आइटम ब्लैंक है, फिर 2000 के बाद 10-15 आइटम ब्लैंक है। तो उसके उसके लिए क्या करते हैं ना हम लोग, उसके लिए दिखाता हूँ क्या करते हैं। उसके लिए पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिल्टर लगाते हैं, फिर उसमें से ब्लैंक ले लेते हैं। इसका ऑप्शन क्लासिक वाला बदल देता हूँ। ये जो होता है ना, ओ शिट, हेलो हेलो, अरे यार लाइट को क्या हो रहा है ये है? लाइट का क्या हो रहा है ये है? अरे मेरा नेट अब ये सारा बंद हो गया, मेरी क्लास का सारा कुछ कवा, अरे तो सारा ये बंद हो गया था ना सबका सब, वहां किस लिए क्या कर रहे हैं है? बोलो, क्लास खराब हो रही है मेरी, ऐसा मजाक है क्या? हेलो, दिखाना फोन, दिखाना इसको, बताओ। हाँ भाई यार, अभी क्लास ले रहा हूँ इसलिए काट रहा था, अभी बाद में, अभी 10 बजे बाद बात करना, ठीक है? 10 बजे बाद बात करना यार क्लास में। हेलो, हेलो। हाँ जी सर, वो पता नहीं क्या लाइट का कुछ हिल गया था इसका। हाँ तो मैं ये बता रहा था, जैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना, ब्लैंक का मैं यूज कैसे करता हूँ, जैसे किसी से रिपोर्ट बनाना है, अब यहाँ से मुझे क्या है कि कोई रिपोर्ट बनानी है, इसमें मुझे अब क्या है कि ये सब जरूरत नहीं है, मुझे ये चाहिए कि इसमें ना जैसे ये नेम लेके आया, नेम पूरे में होना चाहिए, हाँ है ना? तो इसके लिए मैं करता था क्या करके, एक तो ये मेथड था कि जिसको हम यहाँ से ब्लैंक सिलेक्ट करके यहाँ इक्वल टू करके ऊपर वाली रो ले लेते थे, जैसे 5 दिख रहा है तो इसके ऊपर वाली रो है A4। हाँ जी एक तो इसको करते थे, ठीक है जी? दूसरा, ये मुझे उसमें बदलने की जरूरत नहीं है, मुझे यहां से इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि फिल्टर लगा के जाना, मैं सीधा यहां से वो ऑप्शन चूज कर सकता हूँ अपना, गो टू स्पेशल का ब्लैंक्स वाला। हाँ पर इसमें ये रीजन वाला चूज कर लेता है, थोड़ा सा रीजन का फर्क होता है, तो सिलेक्ट करके कर लेता हूँ, गो टू स्पेशल ब्लैंक्स। तो इसमें जो मेरे ब्लैंक्स हैं वो अपने आप सिलेक्ट हो गए, इक्वल टू करके अप दबाया और कंट्रोल एंटर, ठीक है जी? ये जल्दी हो जाता है।
डिफरेंट शीट्स का भी प्राइवेट कितना बना सकते हैं क्या? डिफरेंट डेटा चार पांच शीट्स में डेटा है, उसका हम एक ही प्राइवेट बना सकते हैं? उसका मैंने आपको शायद बताया था ना वो कि शीट का तो आप एक ही शीट का पाइवट बना सकते हैं, पर वो जो आपका पावर पाइवट होता है उसमें भी अलग अलग शीट का बनता है। पावर पाइवट के बारे में बताया था मैंने? नहीं बताया। नहीं सर, वो तो 2010 में है ना। हाँ बस, 2013 में हो। हाँ। नहीं और कहीं कोई चारा नहीं है, एक ही शीट से बनेगा। जो मल्टीपल शीट का ऑप्शन आया वो खाली पावर पाइवट में आया है। ठीक है जी, तो इसमें हम गो टू स्पेशल की बात कर रहे थे अभी। ठीक है जी, करंट रीजन समझ आ गया। एरे क्या होता है, जैसे आपने कोई एरे लगा दिया, उसमें यहां पे मैंने एक एरे फॉर्मूला लगाया, तो एरे फॉर्मूला को मैं यहां से फाइंड कर सकता, मतलब उसकी लेंथ जान सकता हूं कि कहां तक लगा हुआ है। ठीक है जी, इसकी लेंथ मतलब पूरा सिलेक्शन ले लेगा ये अपना उसमें। देन ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके पिक्चर्स, चार्ट्स वगैरह ये सब। तो ऑब्जेक्ट वगैरह कोई सिलेक्ट करने हो तो गो टू स्पेशल में जाके ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होके आ जाएंगे आपके। ठीक है जी, ये देखिए दोनों मूव हो रहे हैं। देन गो टू स्पेशल आपका। रो डिफरेंस मतलब कहीं कोई रो में डिफरेंस आ रहा है। तो जो 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 आपकी डिफरेंट होंगी ना उनको सिलेक्ट कर लेगा ये, कलर में उनका इफेक्ट देख सकते हैं। अब इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें कमेंट पड़ी हुई है। ठीक है जी, जहां जहां डिफरेंट हो जाती है वो ले लेता है सिलेक्शन में, रो डिफरेंसेस। देन इसी तरह से आपके कॉलम डिफरेंसेस भी हैं, डाटा सेम चल रहा है बीच में कहीं डिफरेंस हो गया। ये कॉलम डिफरेंस दिखा रहा है ये वाले हमारे, कि यहां यहां वैल्यू चेंज हो गई थी। देन प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स। अब देखिए काफी सारे फॉर्मूले लगे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो उनका लिंक कहां से होता है। अब जैसे मैंने यहां पे एक फॉर्मूला दिया और यहां की कोई रेंज ले ली, ठीक है जी। देन अब मैं क्या करता हूं, यहां पे इस फॉर्मूले को यूज कर लेता हूँ, यहाँ मैं +10 कर देता हूँ। ठीक है जी, अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ से इसका कोई मतलब है क्या, और यहाँ चेंज करूँगा या डिलीट करूँगा तो इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि तो बीच में एक फॉर्मूला है। तो इसी तरह के डिफरेंस, इसको ही हम डिसेंडेंट्स और प्रेसिडेंट कहते हैं। तो गो टू स्पेशल में प्रेसिडेंट्स, डायरेक्ट ओनली मतलब डायरेक्टली कहां से इन्वॉल्व है, कह रहा डायरेक्टरी यहां से आ रहा है। ठीक है जी, और ऑल लेवल के करेंगे आप तो जहां जहां से लिंक्ड होगा, जैसे ये यहां से लिंक्ड है और ये यहां से लिंक्ड है, ये देखिए ये सिलेक्ट कर देगा। ठीक है जी, अब मुझे पता लगाना है ये कहाँ पे यूज है, यहां मैंने सिलेक्ट किया और ये कहाँ पे यूज हो रहा है। तो इसका रिवर्स ऑप्शन भी है, मैंने मान लीजिए वैल्यू डिलीट करनी है पर मैंने ये जानना चाहता हूँ कि इससे कहीं शीट में हमने कहीं इससे कोई फार्मूला तो नहीं लगा रखा,
तो गो टू स्पेशल में जाएंगे, और ये डिपेंडेंट्स पे चले जाएंगे कि इस सेल के ऊपर कौन सा डिपेंडेंट है। डायरेक्ट ओनली करेंगे तो डायरेक्टली तो ये डिपेंडेंट है, और ऑल लेवल तो मतलब आपका ये भी सिलेक्ट हो गया, आपका ये वाला सात वाला, ठीक है जी। तो ट्रेस इसी इसका ऑप्शन वैसे यहाँ पे भी होता है, ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट। ये क्या होता है, लाइन भी बना के दे देता है आपको, जैसे ये किसके से है, ट्रेस प्रेसिडेंट, तो इससे एक लाइन सी बनी आ गई। फिर मैंने इस पर किया ट्रेस प्रेसिडेंट, इसने बोला ये यहाँ से है। अब मैं इस पर ही आता हूँ, कहता हूँ ट्रेस डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट के लिए पहले रो हटा दूँ, ट्रेस डिपेंडेंट, डिपेंडेंट बता दिया कि इसको ये डिपेंडेंट है। यहाँ रिमूव एरो का बटन है, रिमूव एरो कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ अगर अलग शीट का रेफरेंस हो, मान लीजिए यहाँ का रेफरेंस हो किसी अलग शीट का, तो ये दिखाता तो है पर कोई निशान सा दिखाता है। ट्रेस डिपेंडेंट प्रेसिडेंट, अब ये इस तरह से लिंक दिखा रहा है। इसको इसका क्या जुगाड़ है, इसका क्लिक नहीं कर सकते, बस रिमूव एरो ही कर दूं, और देखें गो टू स्पेशल इसका डिपेंडेंट ढूंढ पाता है क्या, नहीं ढूंढ सकता। तो सेम शीट में वर्क करते हैं, बाहर की शीट में वर्क नहीं करते, मतलब अपनी शीट में एक ही शीट में बता सकते हैं, ठीक है जी। देन ये वाले नीचे वाले ऑप्शन सारे वही हैं आपके। लास्ट सेल ऑफ द डेटा, जैसे ये मैंने ये चूज कर लिया, इसमें लास्ट सेल ऑफ डेटा कौन सा है, लास्ट सेल, तो लास्ट सेल ये बता रहा है। मतलब अगर मैं इस पे कंट्रोल ए करूं, मतलब इफेक्टेड एरिया जो मेरा खोल रखा है ना, जो कंट्रोल एंड क्या कहते हैं इसे, लास्ट मॉडिफाइड एरिया, हेलो, तो लास्ट लास्ट जैसे मैं क्या करता हूँ कि कहीं मैंने लिख के छोड़ दिया है, कलर करके छोड़ दिया, तो मैं इनके दायरे से आगे बढ़ता हूँ, अनयूज्ड सेल। तो ये जो यूज्ड सेल हो जाती है ना, उसमें रेक्टेंगल बना के लास्ट वाली दे देता है, ठीक है जी। देन विजिबल सेल्स ओनली, ये हमारा आता है फिल्टर में काम। अब जैसे मुझे कोई रो डिलीट करनी है, आप जो बता रहे थे कि आपके डेटा में बीच में कहीं ये गायब है इस तरह से, और कहीं ये गायब है, तो इनको क्या करना है, तो इसको पूरे को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, फिल्टर लगा दीजिए, तो फिल्टर में आ जाएंगे आपके ब्लैंक, ठीक है जी। यहाँ वाले ब्लैंक नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ तो वैसे ही काफी सारे ब्लैंक हैं, इसके वाले ब्लैंक्स ले लेते हैं जहां ब्लैंक कम है। तो मुझे बेसिकली ये हाइलाइटेड रो जो है ये डिलीट करनी है, बट इसमें कभी कभी क्या होता है ना कि अगर मैं डिलीट कर दूं तो कई बार पीछे का डेटा उड़ जाता है, अभी तो सही है, बट कई दफे क्या होता है पीछे का डेटा उड़ जाता है। तो पीछे का डेटा ना उड़े उसके लिए क्या करते हैं, हम गो टू स्पेशल में जाके विजिबल सेल्स ओनली पे सिलेक्ट करें। ये क्या करेगा, केवल विजिबल सेल्स को ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है जी। फिर डिलीट मारेंगे तो 100% श्योर है कि आपका बैकग्राउंड डेटा नहीं उड़ेगा या खराब होगा, ठीक है जी। इसको तो आदत डाल लो आपकी, यही करना है, नहीं तो कभी भी डेटा लॉस हो सकता है। कॉपी कॉपी पेस्ट करते हैं कई बार,
तो हम छोटा सा कॉपी करते हैं पर पीछे का पूरा डेटा उठ के चला जाता है। यहाँ तो सही जा रहा है पर कई बार नहीं जाता, पीछे का आ जाता है पूरा। तो यही वाला मेथड ऑन करें, विजिबल सेल्स ओनली का, ठीक है जी, ताकि उससे सिलेक्शन डिलीशन अपना जो आपने सिलेक्ट किया जो आपको दिख रहा है उतने का ही होगा, किसी और चीज का नहीं होगा। एक और चीज बताता हूँ, कई बार क्या होता है ना कि आपके पास ये दी होती है, रो दी होती है, मतलब ब्लैंक सेल है पर आपको दिखाई नहीं दे रही है, इस तरह से की होती है, हाइड टाइप से कर दी होती है। अब आपको समझ नहीं आएगा कि करना क्या है, ठीक है जी। कई लोग ऐसे भी बना के बेच देते हैं, तो इनको एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए रोज को, और इनकी ना एक बार हाइट बढ़ा के वापस उतनी कर दीजिए, तो उसमें क्या होगा, ये ब्लैंक वाली खुल जाएंगी, ये देखने के लिए आपको काम आ जाएगी। किसी डेटा पे डाउट हो आपको तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। मेरे को इस तरह के डेटा आते रहते हैं जिसमें ये दिक्कत होती है। देन कहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, कहाँ डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है, ये भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। डायरेक्ट उस पर चला जाएगा। नेक्स्ट पे देखते हैं, इंसर्ट में पाइवट टेबल, आपको पता है पाइवट चार्ट टेबल जो होता है टेबल में कन्वर्ट करने के काम आता है। ना जैसे ये डेटा है मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है, तो टेबल है, कंट्रोल टी का जो ऑप्शन होता है वो टेबल है, टेबल में कन्वर्ट करता है। वापस कन्वर्ट टू रेंज करना है तो टेबल टूल डिजाइन करके कन्वर्ट टू रेंज, वापस ये वैसा हो जाएगा, टेबल से अनलिंक हो जाएगा, हट जाएगा। कई बार आपको लगता है कि आपने बाहर से डेटा लेके आए हैं और ये क्या करता है कि रिफ्रेश करता है डेटा, आप कहते हैं एक बार ले आया अब रिफ्रेश नहीं करना चाहता, तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से जैसे इम्पोर्टेड जो डेटा हम इम्पोर्ट करके लाते हैं, डेटा में जाके फ्रॉम एग्जिस्टिंग कनेक्शन पाइवट डेटा टेबल, जैसे ये डेटा मेरे पास आ गया, अब ये लिंक्ड डेटा है उस वाले डेटाबेस से, मैं चाहता हूं कि ये डेटा यहीं के यहीं सेव हो जाए, मतलब यहां से जब रिफ्रेश करेंगे तो फाइल में जो डेटा होगा वो रिफ्रेश कर देगा, ये लिंक्ड डेटा है, पर आप चाहते हैं कि ये लिंक्ड ना रहे, तो यहाँ पे अनलिंक का टैग है, इसको अनलिंक कर दीजिए यहाँ से, ठीक है जी। तो इसका पुराने डेटा से कोई लिंक नहीं रह जाएगा, जिस फाइल से आया होगा उससे कोई लिंक नहीं रह जाएगा, ठीक है जी, ये परमानेंट हो जाएगा आपके पास इस शीट में। देन पिक्चर, आपको किसी फाइल से पिक्चर उठानी है, सेम चीज है, क्लिप आर्ट इंसर्ट करनी, क्लिप आर्ट भी पता है आपको, शेप्स हैं, कोई भी डिजाइन वगैरह आपने करने हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हैं, इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको ये क्या कहते हैं ग्राफिक्स बनाने के ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे आपको लिस्टिंग सी करनी है पावर पॉइंट में, हालांकि इसका ज्यादा यूज होता है, तो इसमें काफी सारे ऑप्शन काफी तेज होते हैं तो इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बड़े सारे ऑप्शन आपको सिलेक्ट करते ही यहाँ पे काफी सारे दिखेंगे, ठीक है जी। प्रमोट डिमोट, जैसे आपको कई बार वो बनाना होता है क्या कहते हैं उसे, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, तो इसके अंदर अच्छे ऑप्शन होते हैं, आप इंस्टेंटली बना सकते हैं। इंसर्ट स्मार्ट आर्ट हायरार्की, हायरार्की में ये है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट,
ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ये खुल जाएगा, जिससे अगर नहीं समझ आ रहा तो आपके यहाँ है लेफ्ट राइट करना है, लेआउट कैसा होना चाहिए, कौन सी शेप ऐड करनी है, ऐड शेप आफ्टर बिफोर अबव बिलो, ऐड असिस्टेंट, असिस्टेंट कौन सा हो गया ये वाला साथ में जो पीए के लिए होता है, तो वो ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या ऑपरेट करते हैं, इसको टैप मारेंगे तो ये जूनियर बन जाएगा, ठीक है जी, शिफ्ट टैब वापस आ जाएगा और करेंगे तो बॉस बन जाएगा। तो इस तरह से इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। मान लीजिए दो इसी लेवल के लोग हो गए, अब दो इसी लेवल के हो गए, अब इनको आना चाहिए इस तरह से, पर ये ऐसे दिखा रहा है, तो मैं ऊपर वाला सिलेक्ट करके लेआउट यहाँ से स्टैंडर्ड कर दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो हालांकि ऑप्शन इसी के अंदर है, आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे थोड़े से, एक्सेल में बस ऑप्शनों को आप अंदर ही देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है जी, और डेप्थ से कॉलम वगैरह के बारे में पता ही है, चार्ट्स के बारे में आपको पता है, हाइपरलिंक इंसर्ट करना हो। अब जैसे यहाँ पे मुझे खोलना है शीट फोर का लिंक चाहता हूँ मैं, ठीक है जी, शीट फोर खुलवानी है या कोई साइट खुलवानी है, हाइपरलिंक आपको पता है, तो इसमें हाइपरलिंक हम यूज करते हैं। पर अगर इसी शीट के अंदर हमें नेविगेशन करानी है ना, इसी वर्कबुक के अंदर, तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। अब इसमें आपके आ जाएंगे, शीट फोर है तो शीट फोर पे कौन सा सेल है, किस सेल पे जाना चाहिए वो यहाँ टाइप कर दीजिए, ओके, तो ये A1 पे चला जाएगा जैसे ही क्लिक करूंगा शीट फोर के A1 पे, ठीक है जी। तो ये लिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं, बाकी एग्जिस्ट कोई फाइल का लिंक देना है कि कोई फाइल खुल जाए मेरी, तो किसी फाइल का लिंक दे सकता हूं मैं, तो मैंने फाइल का लिंक दे दिया, फाइल खुल जाएगी। ठीक है जी। कोई वेब पेज देना चाहते हैं, कोई रिसेंट फाइल, कोई भी मतलब चूज कर सकते हैं। देन इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स है, ये आपका कोई नोटिफिकेशन टाइप की डालनी है, टेक्स्ट बॉक्स है, नॉर्मल लिखने के ही काम आता है, कहीं बैनर वैनर टाइप के डालने हैं तो ये सब लिख के डाल सकते हैं, राइट लिखने के लिए खाली है। देन हेडर फुटर, हेडर फुटर देते हैं हम लोग, यहाँ से यूज कर सकते हैं कि शीट के हेडर में क्या आना है, फुटर में क्या आना है। हालांकि इस ऑप्शन के लिए हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, क्योंकि एक्सेल में हमारे पास होता है कि ये लाइन मुझे बार बार रिपीट करनी है, डाटा होता है ना, तो हम कहाँ जाते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में, नहीं, हाँ प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में, नहीं प्रिंट प्रीव्यू में वो ऑप्शन चलेगा नहीं, इसके लिए मैं यूज करता हूँ वैसे ऑल्ट पी आई, पर ये ऑप्शन होता है यहाँ पेज लेआउट में प्रिंट टाइटल्स का, तो प्रिंट टाइटल्स का जो ऑप्शन होता है ये पेज सेटअप का ही पार्ट होता है, लास्ट शीट, तो रोज रिपीटेड एट द टॉप हम ये चूज करते हैं, जैसे ये चूज कर ली यहाँ से, ठीक है जी। तो जब भी ये डेटा हमारा बार बढ़ेगा थोड़ा सा, तो ये जो लाइन है वो रिपीटेड दिखाता रहेगा आपको। जैसे नेक्स्ट पेज पे चले गए हम, टाइटल हमने नहीं लिया कोई भी, तो ये क्या दिखाएगा, ये यहाँ से नेक्स्ट पेज पे वही लाइन दिखाएगा हेडिंग रिपीट करने के लिए। देन वर्ड आर्ट होता है आपका, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से अपना
टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, टाइटल वगैरह लिखने, मेरे ख्याल से कोई भी आप वर्ड आर्ट चूज करके उसका रेफरेंस दे सकते हैं, वो यहाँ दिखा सकता है ऊपर से फॉर्मूला बार से, तो जैसे ही टेक्स्ट चेंज होगा ये भी चेंज हो जाएगा, बैनर की तरह काम करेगा। ठीक है जी, वर्ड आर्ट में प्योर टेक्स्ट के लिए होता है, और शेप्स जो होते हैं हमारे डिजाइन के लिए होते हैं, शेप डिजाइन के लिए, टेक्स्ट के लिए वर्ड आर्ट हो जाता है हमारा। सिग्नेचर लाइन वगैरह यूज नहीं करते, या ज्यादातर हम उसमें मेल में यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट्स, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है इसको हम यूज करते हैं, कि इसके अंदर फाइल जो एडिटेबल फाइल टाइप की हो जाए वो आ जाए, जैसे एक्सेल के अंदर वर्ड की फाइल डालना, या वर्ड के अंदर एक्सेल की फाइल डालना। ठीक है जी, जैसे अब मैं इसमें क्या करूंगा, वर्ड का डॉक्यूमेंट डाल दूंगा, तो वर्ड का डॉक्यूमेंट कोई भी डाल दिया मैंने। कई बार क्या होता है कि उसी सॉफ्टवेयर में ही स्पेशल ऑप्शन होते हैं, तो ये जब आप करेंगे तो इसमें आपके जो ऑप्शन है वो वर्ड के चलेंगे सारे, ये ऊपर देख रहे हैं सारे वर्ड के ऑप्शन है। ठीक है जी, इसी तरह से वर्ड में जब एक्सेल खोलेंगे तो उसके ऑप्शन चलेंगे ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है जी, सिंबल्स जो होते हैं आपके, आप सिंबल डाल सकते हैं, तो मैंने बताया था कि लास्ट आपके तीन जो होते हैं विंगडिंग होते हैं फॉन्ट, तो यहां से विंगडिंग चूज कर लीजिए, हालांकि मेरे पास फॉन्ट बहुत सारे हैं, तो विंगडिंग में आपके बड़े सारे फॉन्ट्स हो गए, ओम का निशान हो गया मान लीजिए, इंसर्ट कर दिया मैंने, यहाँ ओम का निशान आ गया, इसको फिर मैंने क्या करना है, बड़ा कर देना। तो इस तरह के साइन लैंग्वेज जो होती है वो आपको यहाँ मिलेगी सिंबल्स में। ठीक है जी, देन आपका होता है ये पेज सेटअप, ये हम थीम्स वगैरह यूज नहीं करते पावर पॉइंट में यूज करने के लिए, ये मैं बेसिकली पेज की सेटिंग करने के काम आता है, जैसे पोर्ट्रेट लैंडस्केप करना है, प्रिंट सेटिंग करनी है, एडजस्ट करते हैं मैनुअली, एडजस्ट छोटा बड़ा कर लेते हैं कि 80% 70%, अगर नहीं पता तो करते हैं फिट टू वन। ठीक है जी, फिट टू वन में एक चीज है, अब जैसे मुझे ये नहीं पता कि एक दो तीन पेज का काम है, अब मुझे ये नहीं पता कि वो लंबा कितना जाएगा, मैं कर सकता हूँ कि ना जो इसके कॉलम होते हैं वो एक शीट पे फिट आ जाए, तो ये पीछे से इसको हटा दीजिए, तो क्या करेगा ये वाले जो कॉलम है ना वो एक शीट पे फिट कर देगा, बाकी डाटा जाने देगा नीचे तक सारा अगली शीट पे, तो एक झटके में ये सेटिंग हो जाती है, यहां से इसको जीरो कर दीजिए। ऐसी तरह आप चाहते हैं कि लैंडस्केप में आए तो आगे वाला ब्लैंक करके इधर वाला कर सकते हैं, कि यहां से एक में आ जाए ऐसे में वर्टिकल में कितना भी चला जाए। ठीक है जी, वैसा कर सकते हैं अपने आप परसेंटेज ले लेगा यहाँ से, पेपर साइज वगैरह चूज करते हैं, मार्जिन, हालांकि मार्जिन के लिए हम शो मार्जिन यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, जो भी यहाँ से लाइन वगैरह पेज की चूज कर सकते हैं, यही मार्जिन आपके मैनुअल है। हॉरिजेंटली वर्टिकली इसको बीच में करना हो तो हॉरिजेंटली वर्टिकली कुछ भी चूज कर सकते हैं, डेटा हमारा सेंटर में आ जाता है, हॉरिजेंटली वर्टिकली। ठीक है जी, हेडर फुटर यहाँ से हेडर दे सकते हैं, ये ज्यादा आसान है, फुटर में दे सकते हैं, जैसे आपको राइट में लिखना है कि ये पेज इतने का ये डेट आ गई, इनके कुछ कोड्स होते हैं वो आपको यहीं से मिल जाएंगे, ये पेज नंबर आ गया, पेज ऑफ करके ये लगा होता है, ये पेज ऑफ पेजेस, तो वन ऑफ वन करके आया, वन ऑफ टू करके आया, इस तरह से आ जाते हैं इसमें, कुछ पहले से दिए हुए ऑप्शन है।
पहला अगर कुछ और है तो डिफरेंट इवन ऑड पेजेस के लिए अलग कर सकते हैं, पहले पेज की फॉर्मेटिंग अलग चूज कर सकते हैं, ठीक है जी। देन आपको शीट के पीछे कुछ बैकग्राउंड देना है, तो बैकग्राउंड को चूज कर सकते हैं कोई फोटो, और ये फोटो वैसे नहीं जाती है, पीछे शीट के पीछे बैकग्राउंड आ गया। अब कोई चाह के भी इसको कलर वलर इसको चेंज नहीं कर सकता, ये बैकग्राउंड के अंदर होती है, ठीक है जी। कई बार लोग वाटर मार्क यहाँ से डाल देते हैं, लोग ढूंढते रह जाते हैं कि कहाँ से डाला है, ठीक है जी। देन आपका होता है प्रिंट एरिया। अब जैसे मैंने प्रिंट एरिया में चाह रहा हूं कि मेरे को सिर्फ इतना ही प्रिंट करना है और करना ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेट प्रिंट एरिया। अब मैंने सिर्फ इतना प्रिंटेबल एरिया सिलेक्ट किया है, तो सिर्फ इतने का ही मुझे प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा और कुछ दिखाएगा ही नहीं। और इस तरह से अगर सेट किया हुआ है तो क्लियर भी कर सकते हैं, क्लियर प्रिंट एरिया अब सारा दिखाएगा, ठीक है जी। बाकी आपको ग्रिड लाइन प्रिंट दिखानी है, हेडिंग प्रिंट दिखाना है, हेडिंग कौन से वाले, ये जो हो गए ए बी सी डी और ये रो, ये प्रिंट दिखाना है तो यहाँ चेक करके आ जाएगा, ठीक है जी। बाकी ये सिलेक्शन एलाइन जो होता है हमारा उसके लिए होता है, क्या नाम है, ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब पिक्चर्स वगैरह के लिए, विंग टू फ्रंट फ्रंट टू बैक वगैरह वहाँ यूज होता है। फॉर्मूलाज में किसी भी रेंज का नेम लिखना है, नेम करना है, जैसे मुझे इसका नाम रखना है, नाम रखने के बारे में बताया था मैंने, नेम मैनेजर में जाके न्यू करके इसका नाम रख सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली इसको ना यूज करके डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं डेटा, तो अब ये डायरेक्टली डेटा आ गया, ठीक है जी। लिंक दिखा रहा है यहाँ पे, तो अगर कभी डिलीट करना हो चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं आप, डिलीट कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं यहाँ से। बाकी आपको ये ट्रेस डिपेंडेंस ट्रेस परसेंटेज दिखा दिए, शो फॉर्मूला, कहीं फॉर्मूला लगा होगा तो वो दिखाएगा, जैसे इनमें कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगा है मुझे देखना है तो यहाँ शो फॉर्मूला, तो यहाँ जैसे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, इस तरह से। वॉच विंडो एक काम की चीज है, वॉच विंडो जैसे आपने देखना है कि फॉर्मूले के साथ कहाँ कहाँ चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐड वॉच कर सकते हैं किसी भी एक उस पे। अब जैसे यहाँ पे मेरा जो टोटल वाला था कौन सा था, ये वाला है, तो वॉच मैंने सेट कर रखी है, इस पर दो तीन कितनी भी कर सकते हैं, अभी तीन आ रही है, अभी पांच आ रही है, तो यहां से मेरे को रेफरेंस दिखता जाएगा कि वैल्यू ये 7 हो गई इसकी, तो 7 है। वॉच विंडो प्रोग्रामिंग में काम आता है वैसे, कैलकुलेशन ऑप्शन, कभी शीट हैवी हो जो मैंने पहली दूसरी क्लास में बताया था, तो मैनुअल में सिलेक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट नाउ वो मैनुअल ऑप्शन में कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट का यूज करते हैं, ठीक है जी। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है जी। वैसे है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, ये डेटा वाले मैंने बता रखे हैं सारे, फिल्टर के हैं। टेक्स्ट टू कॉलम में एक बार आपको दिखा दूंगा मैं, अभी यहाँ एक आध क्लास और लूंगा इसकी में, ठीक है जी। इसमें मल्टीपल शीट्स को कैसे डिवाइड करके उसे देख सकते हैं, इसमें कितना काम कर सकते हैं, कैसा मतलब, आप शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके जो भी करेंगे वो सबसे जाएगा, जैसे ये किया ना मैंने, ये तो ठीक है, जैसे तीन शीट्स हैं और उसको एक में बीच में वो पार्टीशन करके ट्रैक कर दे, एक ऑप्शन है ना वो आपका, यहाँ दोनों में, हाँ समझ गया मैं, वो आपका यहाँ पे है, एक हम यूज करते हैं फ्रीज फ्रेम और एक होता है स्प्लिट, ये रहा है ना, तो स्प्लिट का यूज करते हैं, पर ये सेम शीट में चलता है,
बाकी दो अलग अलग शीट्स हो गए। हाँ उसका भी जुगाड़ है। दो शीट का तो नहीं होता मेरे ख्याल से, दो शीट का नहीं होता, दो वर्कबुक का हो सकता है। दो हाँ दो फाइल हो ना तो उनका ये आता है आपका अरेंज ऑल करके ना, यहाँ से टाइल्ड हॉरिजेंटल वर्टिकल, तो टाइल्ड में करेंगे ऐसे। एक और खोल लेता हूँ इसके साथ में, जैसे आप कर ली मैंने टाइल्ड कर दूंगा तो ये टाइल्ड हो गई ऐसे, है ना। वर्टिकल वर्टिकल कैस्केड कैस्केड, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई आ जाती है इस तरह की। टाइल्ड में टाइल्ड, ये साइड बाय साइड इस तरह से। अभी इसमें आपकी सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग भी हो जाती है, कि जितना इसको करूं उतना ही ये भी हो। ये सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग है ना, इसको अगर अनचेक कर देंगे तो इसको अलग करेंगे और इसको अलग करेंगे, सिंक्रोनाइज कर देंगे तो ये एक साथ चलेगी। ठीक है, वर्क स्पेस उसके लिए होता है, जैसे आप दो तीन, अब ये जो ऐसे है ना, मैं दो फाइलें यूज कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैं चाहता हूँ हमेशा ऐसा कुछ यही दोनों फाइलें मेरी खुलनी चाहिए, तो सेव वर्क स्पेस करके मैं सेव कर सकता हूँ, जैसे रिज्यूमे के नाम से गई वर्क स्पेस, और इसको जहाँ भी मैंने सेव करना था कर दिया। तो अब इसे बंद कर देता हूँ, और जैसे ये वर्क स्पेस है ना जो मेरा, ये खोलूंगा तो ये दोनों फाइलें खोल के दिखा देगा मुझे वापस, ठीक है जी। जैसे 5 7 10 फाइलों के साथ काम कर रहे हैं तो एक वर्क स्पेस करके सेव कर सकते हैं, एक ही बार में वो सारी फाइलें खुल जाएंगी, ठीक है जी। बाकी आपको कल बताएंगे, इसमें अभी काफी ऑप्शन मेरे हिसाब से अभी बचे हैं, काफी सारे आपके डाउट भी हो सकते हैं, क्वेरी भी हो सकते हैं, तो कल और करेंगे। ठीक 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 कल मैं शायद क्लास नहीं दे पाऊंगा, कल मैं ऑफिस से जाऊंगा वापस करने, या रिकॉर्डिंग दूंगी जैसे भी। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, कल देख लेंगे या कल की छुट्टी मार लेते हैं, क्या फर्क पड़ता हाँ परसों कर लेता हूँ फिर क्लास। है। ठीक ठीक है है सर, सतबीर जी। हाँ ओके ठीक है, हाँ ओके थैंक यू।